गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर रहे होंगे। तो आज का वर्कआउट सॉरी आज का व्लॉग स्टार्ट होता है जिम से। मैं सोच रहा था क्यों ना आप लोगों के साथ अपना वर्कआउट शेयर किया जाए। तो आज मैं करने वाला हूँ चेस्ट और ट्राइसेप, और मैं ये वीक में दो बार ट्रेन करता हूँ। पहले मैं मंडे को करता हूँ चेस्ट और ट्राई, और उसके अगले दिन करता हूँ बैक और बाइसेप, फिर करता हूँ शोल्डर, और उसके बाद फिर से चेस्ट और ट्राई। लेकिन जो एक्सरसाइज है वो चेंज हो जाती है, और उसके बाद फिर से बैक और बाइसेप, और उसके बाद सैटरडे को होती है लेग्स। सो आज मैं करने वाला हूँ चेस्ट और ट्राइसेप, और बेसिकली मैं आज आया हुआ था यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए। सो पहले होगा अपना वर्कआउट और उसके बाद होगी वीडियो शूट। और इस व्लॉग में मैं अपना पूरा वर्कआउट दिखाऊंगा कि किस तरीके से करता हूँ, और वार्म अप भी किस तरीके से वार्म अप परफॉर्म करना है ताकि आपकी मोबिलिटी ताकि आपको वर्कआउट करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं कोई भी थोड़ी सी कार्डियो टाइप एक्सरसाइज करता हूँ जिससे मेरा थोड़ा सा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए और थोड़ी बॉडी वार्म हो जाए। आज मैं चेस्ट करने वाला हूँ, फिर भी मैं अपने बैक को वार्म अप कर रहा हूँ। तो ये जरूरी है क्योंकि जब भी आप कोई भी चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बैक बहुत सपोर्ट होती है आपके पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। सो हमेशा अभी चेस्ट के लिए एक और वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, वो होगी सिंगल आर्म फ्लाई, या फिर कह सकते हैं सिंगल आर्म बैक फ्लाई। तो वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ किस तरीके से करता हूँ, और आपको अपनी चेस्ट को स्ट्रेच शोल्डर की एक्सरसाइज की थी। शोल्डर मोबिलिटी वाला इशू नहीं है, सोरनेस है, मसल सोरनेस, सो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अभी करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट, और सबसे पहले मैं अपना करूंगा चेस्ट की तीन एक्सरसाइज। पहली होगी इंक्लाइन डंबल प्रेस, और दूसरी होगी फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। मैं आज करने वाला था सॉरी ये डंबल से करने वाला था, पर मैं आज करूंगा बेंच प्रेस, और उसके बाद होगी डिक्लाइन बेंच प्रेस। और अगर आप ये सोच रहे हो कि तीनों ही कंपाउंड मूवमेंट क्यों, कोई आइसोलेशन या फिर लाइट वेट एक्सरसाइज क्यों नहीं, सो जो मेरा वर्कआउट स्प्लिट है वो इसी तरीके का है। सो जो मेरी लाइट वेट एक्सरसाइज होती है वो मैं मंडे को कर लेता हूँ। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इंक्लाइन बेंच प्रेस से, इंक्लाइन डंबल प्रेस से। सो सबसे पहले तुम इसमें तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले तो मैं थोड़े से वार्म अप सेट लूंगा, एक या फिर दो या फिर तीन भी हो सकते हैं। और आज मॉर्निंग में वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूं तो इतनी एनर्जी होगी भी नहीं इन कंपेयर टू ये। ओके, तो मेरे वार्म अप सेट हो चुके हैं तीन वार्म अप सेट, और अभी मैं करूंगा अपने वर्किंग सेट 25 kg से, और रेपिटेशन रहेगी 12, और 12 तक मैं फेलियर तक जाने की कोशिश करूंगा। यानी कि 12 अगर मुझे 13 पर फेलियर मिलता है तो मैं 13 रेपिटेशन करूंगा, अगर 14 पे मिलते हैं तो 14 पर मुझे लगता है 12 तक मिल जाएंगे। और कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी रेपिटेशन थोड़ी सी स्लो रखूं, टेम्पो स्लो रखूं, ताकि मसल को एक अच्छी हाइपोट्रॉफी मिले और मेरा मसल एंड माइंड कनेक्शन भी अच्छे से बिल्ड हो। सो अभी म्यूजिक प्ले करते हैं।
जो एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप्स पीपल पुश डाउन। ओके तो अभी अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। अभी एक बहुत बड़ा गलत काम हो गया, मैं वीडियो बनाने तो आ गया था, वर्कआउट भी कर लिया और वीडियो बनानी भी स्टार्ट कर दी, लेकिन जो ये माइक है इसमें एक सेल गलत है वो डिस्चार्ज हो चुका है, तो अभी ये माइक ऑडियो कैच नहीं कर रहा है। ऑलराइट गाइस, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, ये छोटा सा व्लॉग आज शूट करने को कुछ ज्यादा था नहीं, आज वीडियो भी शूट नहीं हो पाई और अभी मौसम भी खराब है, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ और मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, नेचर का ध्यान रखिए और अपने आसपास के एनिमल का भी ध्यान रखिए, और चलते हैं हम, बाय बाय। Bye-bye.